हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? साथियों, जिस दिन से हमने पत्रकारिता शुरू की है, हमारी ये इंटेंशन रही है कि हमेशा जन समस्याओं को उठाया जाए और जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आपके सामने लाया जाए और संबंधित विभागों तक उन मुद्दों को पहुंचाया जाए, जिससे जो जन समस्याएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकें, वो सॉल्व हो सकें। इस वक्त हम सहसवान के नगरपालिका में खड़े हुए हैं। ये नगरपालिका प्रांगण है मेरे पीछे। यहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि नगरपालिका परिसर में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया, लेकिन जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो सार्वजनिक शौचालय है जिसका निर्माण तो हुआ, लेकिन यहाँ पर कभी लोग यहाँ पर शौचालय को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लोगों की ये शिकायत है कि एक तो यहाँ पर जो सिर्फ मूत्रालय का बहुत ज्यादा शिकायतें करने के बाद मूत्रालय को खोला गया, लेकिन सिर्फ मूत्रालय को खोला गया है, शौचालय में अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ताला पड़ा हुआ है। और मूत्रालय की अभी जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है, सुबह 10 से 5 बजे तक, जबकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि इस पर केयर टेकर का नाम भी लिखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये केयर टेकर का नाम है श्री सुनील, आउटसोर्सिंग कर्मी है ये, मोबाइल नंबर है इनका, और ये दो डिजिट शायद मिटा दिए गए हैं जिससे कोई इनसे संपर्क ना कर सके। और ये खुलने का समय प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। साथियों, शौचालय एक ऐसी नेचुरल प्रक्रिया है जो कुदरती तौर पर किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी किसी को शौच आ सकता है, लोग शौचालय जा सकते हैं, और शौचालय जाने के लिए कोई भी एक टाइमिंग नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ बाज़ार में आते हैं और यहाँ पर बाज़ार में दुकानदारी के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग वही साथियों ऐसे भी हैं जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं। अगर हम एक दुकानदार की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है उनका घर वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, दुकानदार तो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन वो ग्राहक जो 5 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं, अगर उनके साथ अगर इस तरह का कुछ हो और उनको कोई भी एक ऐसी चीज़ आ जाए उनके सामने कि उनको शौच को जाना पड़े, तो उनके पास कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ वो जा पाए। यहाँ देखिए मेरे पीछे शौचालय, अब हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से देखिए ताला पड़ा हुआ है और अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें तो अच्छी तरह से बनाया गया है, वेल मेंटेन तरीके से, और आजादी का अमृत महोत्सव का भी इस पर होर्डिंग दिख रहा होगा आपको। जाहिर सी बात है ये पुताई इसकी अभी हुई है, ज्यादा दिन पुरानी पुताई नहीं है, क्योंकि यही हमारा 75वां अमृत महोत्सव का जो वर्ष हम मना रहे हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है और वो भी मौजूद है। साथ ही लगातार शिकायतें आने के बाद हमने सोचा कि एक बार हम यहाँ पर भ्रमण करें और यहाँ पर जाकर देखें कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई वही निकली जो लोगों ने बताई थी कि यहाँ पर शौचालय पर तो ताला लटका मिलता है, मूत्रालय को बार बार कंप्लेंट करने के बाद मूत्रालय को खोल दिया गया है, लोग मूत्रालय को तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन शौचालय का कोई प्रयोग यहाँ नहीं है। कुछ दुकानदार साथी मेरे साथ हैं और चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं जी, आपका नाम? तारिक। तारिक भाई, ये लगातार शिकायतें आ रही हैं कि एक शौचालय है, ये कब बना, कैसे बना, इसके बारे में बताइए कुछ। ये मेरी बगल में दुकान है इसकी जी, जो दूसरा गेट है इसके जी, इसकी शिकायत मैंने बहुत साल पहले जब शमाली का वक्त था, वो चेयरमैन थी, चेयरमैन थी हाँ जी जी, जो मौजूदा चेयरमैन है मीरा दिली, उनकी वाला, उनके वक्त में मैं अपने दोस्त मोहसिन से इसका जिक्र किया था कि भाई ऐसे यहाँ पे एक शौचालय बनवा दिया जाए, क्योंकि मारू भाई जो उनके बड़े भाई हैं वो बाबर साहब के साथ बहुत इंटीमेसी रही है उनकी, तो उन्होंने जाकर ये शिकायत उनसे की, तो फिर वो हुआ भी यही कि 10-12 दिन के अंदर इसकी नपत हो गई और ये काम शुरू हो गया जी। ये जब इसे स्टार्ट हुआ था बन गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, हमने मुबारकबाद दी उन लोगों को, मेरा भी बहुत बहुत आपका भाई धन्यवाद, आपने ये काम कराया। उसके बाद फिर ये चलता रहा, बनने के बाद चालू रहा सुचारू रूप से, फिर एक टाइम आया इसको बंद कर दिया गया, फिर हमने हाँ वो वक्त था इनका हाजी नूरुद्दीन साहब का जी, तो फिर हमने उनसे जाकर शिकायत की कि इसको भाई क्यों बंद किया गया है, फिर उन्होंने खुलवा दिया उसको, बिल्कुल खुलवाने के बाद बिल्कुल सुचारू रूप से एक बंदा बिठाया उन्होंने और उनका कार्यकाल में बिल्कुल सही तरीके से ही चलता रहा, हाँ जारी रहा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं रही हमें। उसके बाद जब उनकी चेयरमैनी चली जाने के बाद फिर जब मीरा फिर जब चेंज हुआ तो फिर इसमें ताले पड़े रहे बहुत टाइम तक, हमें बहुत परेशानी रही, लोगों को पब्लिक को बहुत परेशानी रही, जनता बहुत ज़्यादा इधर उधर जाती थे, वो तो हाँ नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत परेशानी में लोगों ने वक्त गुजारा। फिर मैंने जाके फरीद भाई से शिकायत की इसकी, फरीद भाई ऐसे ऐसे भाई इसको क्यों बंद किया गया है,
और गली में इतनी बदबू आती है और यहाँ पे सब बीमारियाँ। अच्छा, पहले यहाँ इस जगह पेशाब करते होंगे, यहाँ आपको दिखा दो। ये जो साक्षी आज अभी भी करते हैं। अच्छा, ये पेशाब होता है। जी, तो ये सब गल गई है, देखो ये सारा पेशाब की वजह से ये सब गल गया, ये सब चैनल गल गया है पूरा। देखो यहीं पे जब ये बंद रहता था तब कितना ही था यहाँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने जब दिया, हाँ, फरीद भाई से मैंने कहा तो उन्होंने फौरन उसी वक्त एक्शन लिया और वो खुल गया। उसके बाद फिर ये लेडी है जो पिंक शौचालय है इसके आगे बाजू में, वो और ये वाला दोनों शौचालय पर वो निगरानी रखती है। महिला है? हाँ, महिला। यहाँ तो पुरुष आते होंगे तारिक भाई, हैं? यहाँ तो पुरुष आते होंगे। हाँ, पुरुष शौचालय उनका काम ये है, वो खोलकर चली जाती है, साफ सफाई करके चली जाती है सुबह में। अच्छा, फिर शाम को कितने बजे खोलती हैं? अब ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं लेट आता हूँ थोड़ा, ये तो राशिद भाई हमारे बताएंगे। 10 बजे करीब। हाँ, ये उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 बजे बंद कर देती है वो कहती है मेरी 8 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, उनकी कंप्लीट हो जाती है, वो चली जाती है। लेकिन है लेडी, कोई परमानेंट आदमी? लेकिन दुकानों का बंद होने का समय जो है वो 8 बजे का है। अच्छा, तो 8 कायदा ये है कि 8 बजे तक तो लेकिन नियम तो ये बता रहा है कि 10 बजे तक खुलना चाहिए ये। हाँ, जो लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है ये, 5 बजे बंद हो जाता है। 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद फिर क्या करते हैं लोग? फिर वो हमारी ये ये दो नालियाँ हैं के चैनल पे उधर उधर ये खड़े करते हैं, ये गंदगी करते हैं, फिर इतनी बदबू आती है पूरे माहौल में चारों तरफ, बहुत ज़्यादा मतलब खड़े होना मुश्किल है। अच्छा, तो आपने जब ये जाकर नगर पालिका में शिकायत की, इसको खोल दिया गया? हाँ, फौरन। लेकिन मूत्रालय खुला करने, हम शौचालय की बात करें तो हाँ, कायदा तो ये है कि जब ये पूरा परिसर ही इस काम के लिए बना हुआ है जी, तो सिर्फ लघु शंका के लिए थोड़ी लोग आते हैं जी, कोई लोग भाई शौचालय के भी आएंगे। हाँ, तो ये कायदा तो ये है कि ये बंद ही होना चाहिए। ये इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे कुछ नशेड़ी तत्व जो है वो इसको घेर लेते हैं, तो इस वजह से इनको बंद भी रखा है उन्होंने। लेकिन तो अगर एक बात सुनिए आप, लेकिन हाँ, कोई भी इस तरह के जो असामाजिक तत्व है वो यहाँ आएंगे, जाहिर सी बात है जब एक जगह खुली देखेंगे तो आगे पड़ेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए एक सफाई कर्मचारी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है ना, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर ड्यूटी देगा। हाँ, इस बात की उसको तनख्वाह भी मिल रही होगी। तो ये तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर बैठेगा और वो किसी तरह के ऐसे ही असामाजिक तत्व यहाँ पर प्रवेश ना करें, इसीलिए तो एक बंदा रखा गया है यहाँ पर। भाई, एक कर्मचारी रखने की वजह ये कि कोई भी यहाँ पर आके एक तो गंदगी ना करे, इसमें तोड़फोड़ ना करे और कोई भी इसका अनैतिक प्रयोग ना करे जी। तो उसके लिए एक आदमी रखा गया है। अगर नगर पालिका यहाँ बिठाएगी और इसको खोलेगी तो कैसे घुस जाएगा कोई? बस वही है, जुआरी लोग आ जाते हैं, नशेड़ी लोग आ जाते हैं। तो ये तो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई केयर टेकिंग नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी यहाँ बिठाया जाए तो जाहिर सी बात है फिर कोई नहीं घुसेगा। हाँ, किसी की निगरानी में रहेगा तो ये सब चीज़ नहीं होगी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये इस तरह से ये चलता रहा, ये आपके पास में क्या इसको खुलवाना चाहते हैं हम लोग? हाँ, चाहते हैं। तो ये बंद रहता है यहाँ पर? अब देखिए, यहाँ पर जो भी लोगों से मेरी बात हो रही है, अभी मेरी एक आपके पड़ोसी से बात हुई, उन्होंने कहा शौचालय की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर इसके बनने का कोई कारण ही नहीं था फिर इसका मतलब। नहीं, खुलवाना चाहते हैं ना, शौचालय की आवश्यकता है। तो मान लीजिए यहाँ दुकानदार, यहाँ लोग दूर से बाहर से ग्रामीण आते हैं, अब किसी का घर 5 किलोमीटर है, किसी का 10 किलोमीटर है, और उसको शौचालय की अगर आवश्यकता हो जाए, और ये प्राकृतिक है, किसी को भी हो सकती है कभी भी, जरूरत है इसकी। क्या नाम है आपका? शानू भाई, मेरे पास लगातार ये कंप्लेंट्स आ रही है कि बराबर में आपके जो शौचालय है नगर पालिका में वो पिछले 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। मूत्रालय तो शायद कुछ दिन पहले खोल दिया गया है, लेकिन शौचालय बंद है। शाम को ये 4 बजे बंद हो जाता है। 4 बजे मूत्रालय भी बंद हो जाता है? 5 बजे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप यहाँ दुकानदार हैं, आपके पास ग्राहक भी आते होंगे, फीमेल्स भी आती होंगी, मेंस भी आते होंगे, कभी भी किसी को भी जरूरत हो सकती है, तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, किसी को कभी भी आवश्यकता हो सकती है। तो जब शौचालय ये बंद पड़ा हुआ है पिछले 5 साल से, क्या आप लोग चाहते हैं इसे खुलवाना? डिमांड नहीं की आपने कभी? डिमांड नगर पालिका से कीजिए और नगर अध्यक्ष से कीजिए, जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनसे कीजिए कि ये खोलें इसको। भाई, शौचालय का निर्माण किस लिए किया जाता है? कि लोग उस सुविधा का लाभ उठा सकें, यूज करने के लिए। तो ये यूज नहीं हो रहा है? नहीं, बंद रहता, ताला पड़ा है? नहीं, खुला रहता है, ये 6 दिन खुलता है। शौचालय खुलता है, मूत्रालय खुलता है? वो तो मूत्रालय खुला हुआ है, वहाँ पे आगे तो ताला पड़ा हुआ है। मैं शौचालय की बात कर रहा हूँ, शौचालय नहीं खुलता। मूत्रालय के लिए मूत्र तो कहीं भी कर सकता है आदमी, लोग सड़क किनारे कहीं अंधेरा कोना देख के भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर शौच आएगी तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, क्या करूँ बताओ?
क्या रहता है वो, तो ये बंद रहता है शौचालय, तो आप लोगों को कभी जरूरत महसूस होती है शौचालय की? होती है तो बंद ही मिलता है। तो कहाँ जाते हो? घर जाना पड़ता है। कितनी दूर है घर यहाँ से? अरे भैया थोड़े बहुत दूर। अगर यहाँ पे आपके किसी ग्राहक को अगर आने लगी फिर तो आप करोगे उसका जुगाड़? वो बेचारा खुद करेगा जो 5 किलोमीटर दूर से यहाँ आया है, वो तो जानता भी नहीं है किसी को, जो किसी के घर पे चला जाए फिर उसको परेशानी नहीं होगी? तो आप लोगों ने कभी डिमांड क्यों नहीं की है? कहते हैं सुनते ही नहीं ज्यादातर, सुनते नहीं है। चलिए हम बात करेंगे अधिशासी अधिकारी से भी बात करेंगे इसके बारे में, रात भी वैसे हमारी बात हुई है। ये खुलता है, बताओ बताओ, इसमें शर्मा नहीं के बाद। देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आप एक नागरिक के तौर पर अगर कोई परेशानी है बताइए, हम बात करेंगे, खुलवाएंगे इसमें, कोई जरूरत की चीज़ है तो खुलता है नहीं खुलता है ये बता। सच बता, हमने देखा नहीं है, कभी नहीं खुलते हुए देखा है ना, तो ये तो यही है बस। अच्छा ये भी बता रहे हैं तारिक भाई कि आपने कंप्लेंट की उसके बाद ये खोला गया, इसको उससे पहले ये भी बनता है यहाँ पे, तो अब उसके बाद जब से ये आपने कंप्लेंट की ये खुल गया, लेकिन 5 बजे तक खुलता है जैसा कि आपने कहा, और कर्मचारी कोई है नहीं तो वो इस वजह से नहीं खोले। तो साथियों देखिए तारिक भाई से मेरी बात हुई, और भी लोगों से हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो चीज़ें निकल कर आई वो यही है, वास्तविकता यही है जो लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे सुबह 10 बजे खुलता है, 10 बजे से 5 बजे तक ये खुला रहता है, लेकिन वो भी केवल मूत्रालय, शौचालय पे ताला आप मेरे पीछे अभी भी देख रहे होंगे, अभी इस वक्त 5:10 है और कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है। आप देखिए मेरे पीछे ताला है, एक और दुकानदार यहाँ पर आ गए, मैं इनसे जानना चाहूँगा आपका नाम। राशिद भाई। राशिद भाई ये बताइए, पीछे ये शौचालय हमने देखा, लगातार यहाँ से शिकायतें आ रही हैं लोगों की कि यहाँ शौचालय पे ताला लटका दिया गया है, तो क्या ये बात सही है? आज हम जब भी पेशाब करने आते हैं साहब तो ये ताला लटका हुआ मिलता है। अच्छा कभी आप भी यहाँ दुकानदार है, पड़ोस में दुकान है आपकी, अगर कभी आपको शौचालय जाना हो फिर क्या करते हैं? देखते रहते हैं, नहीं मिल ये फिर कहाँ जाते हैं? घर पे जाना पड़ता है। घर कितनी दूर होगा यहाँ से आपका? घर लगभग मोहल्ला नवादा में है, तो नवादा में आधा किलोमीटर होगा। तो अब क्योंकि आप तो यहाँ के रेजिडेंशियल हैं सहसवान के, आपका तो घर आधा किलोमीटर दूर है, आप इतनी देर सफर कर लेंगे, बाइक या मोटरसाइकिल होगी घर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग दुकानदार हैं, यहाँ पर ग्राहक भी आते होंगे आपके पास, और ग्राहक केवल सहसवान के तो होंगे नहीं, आसपास के एरिया के भी आते होंगे, यहाँ पे मैंने सुना है 8-10 किलोमीटर दूर से ग्राहक आते हैं। तो अगर किसी ग्राहक के साथ अगर ऐसी कोई नेचुरल प्रक्रिया है, अगर उसको एकदम से जाना पड़ जाए फिर वो क्या करेगा? उसे बहुत परेशानी होती है। तो अगर एक सार्वजनिक शौचालय है तो ये मेरा तो ये मानना है कि इसका यूज होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये खूबसूरत तरीके से बनाया है, तो बहुत अच्छा, काफी पैसे भी खर्च हुए हैं, अच्छा बनाए, देखने में अच्छा लग रहा है, और जाहिर सी बात है इसमें पैसे भी काफी लगे हुए हैं, तो राज्य सरकार ने अगर यहाँ पैसे खर्च किए तो वो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार ने जाहिर सी बात है कि लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया है, और जिस काम के लिए बनाया है जब इससे वही काम नहीं होगा तो फिर इसका कोई औचित्य भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो राशिद भाई हम आपकी ये बात जो है लेकर जाएंगे, और हम अधिशासी अधिकारी सहसवान नगर पालिका से भी इस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जब एक कर्मचारी है तो उसको यहाँ अपॉइंट किया जाए, इस शौचालय को खोला जाए, इससे लोगों की ये परेशानी दूर हो सके। और भी दुकानदारों से हमारी बात हुई है, कुछ ऑन कैमरा हुई, कुछ ऑफ कैमरा हुई, भाई सब खड़े हैं मेरे सामने, क्या नाम है आपका? मुन्नन। मुन्नन भाई ये बताइए, शौचालय तो खुलता नहीं है जैसा कि हमने, बंद ही रहता है, अगर आपको कोई हाजत आ जाए कहाँ जाते हैं? घर जाओ, समाजपुर। घर कितनी दूर है आपका? 1 किलोमीटर है। अच्छा कभी ऐसा होता है दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं है? कोई ना, तो फिर इस कंडीशन में आपके पीछे यहाँ तो ऐसा है, किसी भी मोहल्ले वाले को या किसी भी बराबर के दुकानदार को खड़ा कर रहे हैं कि भी थोड़ी देर खड़े हो जाइए, मैं होके आता हूँ शौचालय। अब मान लीजिए घर जाना पड़ जाए, बहुत परेशानी हो, बहुत परेशानी होती है, इसकी जरूरत है, ग्राहक भी यहाँ है तो जी। तो देखिए दोस्तों ये दुकानदारों से हमारी बात हुई, और भी लोगों से हमने ऑफ कैमरा बात की, सबका कहना यही है कि अगर शौचालय है और नियम भी यही है कि अगर शौचालय का निर्माण किया गया है तो लोगों की सुविधा के लिए किया गया है, और लेडीज तो, में है, नहाते हैं जितने आदमी यहाँ, बिल्कुल तो ये लेडीज में तो वहाँ पर लेकिन वहाँ नहाते हैं आदमी जितने यहाँ, नहीं वहाँ आदमी क्यों जाएंगे, वो तो जो महिलाओं के लिए, मतलब लेडीज ना जाती है वहाँ जितनी, जितने आदमी परेशान हो, महिला दुकानदार भी तो नहीं है बाजार में, महिला दुकानदार नहीं है, जो ग्राहक आता होगा महिला उसको ये पता नहीं होगा कि यहाँ पर शौचालय है, लेकिन क्योंकि दुकानदार सारे मेल है पुरुष है लगभग, मुझे लगता है अगर हम सहसवान की मार्केट की बात करें तो 99% दुकानदार जो है वो पुरुष है, तो उनको पता है कि उनके लिए शौचालय का निर्माण किया गया लेकिन इस्तेमाल नहीं है। तो साथियों जैसे हमने यहाँ देखा और जिस तरह की शिकायतें थी, कंप्लेंट थी, शिकायत एकदम सही है, और हमने इसको देख लिया और इस शिकायत को हमने
परख लिया कि ये यहाँ पर जो है शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा है, इसका टाइमिंग बढ़ना चाहिए, इसका टाइमिंग भी बढ़ना चाहिए और शौचालय का जो ताला है ये इसमें इतने पैसे लगाए हैं अगर सरकार ने तो वो खुलना चाहिए। मुझे लगता है शायद यहाँ पर रूम भी है, चौकीदार के लिए भी जगह है बैठने की। और साथ ही एक चीज़ और आपसे शेयर करेंगे, देखिए बोलना तो एक जरिए, हमारी ये कोशिश है कि लोगों की समस्याएँ उठाएँ, जनता की समस्याएँ उठाएँ, एक पत्रकारिता का जो धर्म है उसको पूरी गरिमा बनाकर रखें और उसको निभाएँ। अगर आपके साथ भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी भी हमारी वेबसाइट पर रहती है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, जो भी समस्या है आप लोग हमें बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए, हम उस समस्या की तह तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस समस्या का समाधान भी हो। साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आगे जो भी हमारी वीडियोज़ आएंगी वो नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहेगा। तो साथियों जुड़े रहिए बोलना तो एक के साथ और इसी तरह जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं इसी तरह से प्यार लुटाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे एक बात जाननी है, सहसवान से लगातार लोगों की एक शिकायत आ रही है कि नगर पालिका परिसर में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया कई वर्ष पहले, लेकिन वहाँ अक्सर ताला लटका रहता है और कंप्लेंट के बाद मूत्रालय तो खोल दिया गया लेकिन शौचालय अभी भी बंद है। तो दुकानदारों की ये शिकायत है कि अगर क्योंकि एक नेचुरल प्रक्रिया है, अगर इस बीच में अगर किसी को अगर शौच जाना हो तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है तो वो ताला क्यों लटका हुआ है? अब हमको तो आप ही के द्वारा ये संज्ञान में आई है बात जो आप आज बता रहे हैं, फिलहाल मैं उनको दिखवा लेता हूँ अगर ऐसी कोई बात है। अच्छा अभी हमने वहाँ जाकर जी अभी हमारी कुछ दुकानदारों से बात भी हुई और वहाँ जाकर हमने देखा दुकानदारों का यही कहना है कि अगर बीच में आ जाए क्योंकि एक प्राकृतिक चीज़ है उसके बारे में कोई ये कह नहीं सकता कब उसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो वहाँ पर हमेशा ताला है और वो लोगों को घर जाना पड़ता है। लेकिन दुकानदार क्योंकि वो लोकल रेजिडेंशियल हैं तो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन सहसवान की मार्केट में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ग्राहक 10-10 किलोमीटर से, तो इस कंडीशन में उनको वाकई बहुत दिक्कत होती होगी और दुकानदारों ने ये बात भी रखी। नहीं, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया है और उसका खुला होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ताला नहीं लटकना चाहिए उसमें। अगर ऐसा है तो मैं संज्ञान में लेते ही अभी मैं उसमें ताला खुलवाता हूँ, सफाई करवाता हूँ अगर ऐसी बात है तो। अभी हम वहाँ देखकर आए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से किसी सफाई की आवश्यकता तो नहीं है और बहुत साफ सुथरा बहुत सुंदर बना हुआ है। और एक चीज़ और सामने आई कि एक महिला है जो पिंक शौचालय का रखरखाव करती हैं महिलाओं वाले का, वही इसको सुबह 10 बजे खोलती हैं और 5 बजे बंद करती हैं, जबकि ये एक पुरुष शौचालय है, किसी महिला को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, नैतिकता तो यही कहती है। और जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं जिनका नाम पटल पर लिखा हुआ है, सुनील नाम है उनका, और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी भी आगे की 2 डिजिट मिट गई हैं या जानबूझकर मिटाई गई हैं जिससे कोई संपर्क स्थापित ना कर सके, बताते हैं कि सुनील नाम का कोई व्यक्ति यहाँ कभी नहीं आता जबकि वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी हैं और जाहिर सी बात है उसकी सैलरी भी उनको मिल रही होगी। सुनील की ये सुनील कौन है भी तो दिखाना पड़ेगा, जिनका नाम है उनका मोबाइल नंबर यदि मिट गया है किसी कारण से तो उनका पुनः लिखवा दिया जाएगा, जो लोग ड्यूटी पे हैं उनका नाम मोबाइल नंबर होना चाहिए जी। और सुबह 4 बजे से 10 बजे तक इसमें शौच का टाइम भी लिखा हुआ है कब तक खुलेगा, और लोगों का कहना है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुल जाता है, जिसके बाद जो बाज़ार है वो 8 बजे तक खुलता है, लेकिन दुकानदार फिर 3 घंटे वहीं गेट पर पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से हमने गेट देखा, गेट की जो लोहे की जो सरिया है वो भी गल गई हैं लोगों के मूत्र विसर्जन के कारण। नहीं, रात्रि 10 बजे तक खुला रहना चाहिए, शौचालय रात्रि 10 बजे तक खुला होना चाहिए। तो क्या हम ये आशा करें कि ये कल से सब कुछ जो सुचारू रूप से चलेगा? बिल्कुल 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 चलेगा।
समय से खुलेगा, लोग वहाँ रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, साफ सफाई से लेकर के सब व्यवस्थाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।